कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का परिचय देते हुए नगर क्षेत्र में स्थित पंत पार्क में एकत्रित होकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। आपको बता दें कि पिछले लगभग 3 माह से लॉकडाउन लगा हुआ था और लोग अपने अपने घरों में थे। आज जब लॉकडाउन में ढील दी गई तो सारे लोग अपने अपने कामों में लग गए। इसी क्रम में राजनेताओं में भी हलचल का माहौल लगने लगा है। इसी क्रम में आज कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में पंत पार्क में पहुंचकर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें मांग की गई कि पिछले 3 सालों से नगर में फ्लाईओवर का कार्य चल रहा है, जो काफी ढीले रफ्तार में किया जा रहा है। इसी को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक हरभजन सिंह चीमा को एक शिकायत पत्र दिया। कांग्रेस कमेटी ने पूरा अपने शक्ति प्रदर्शन साथ धरना प्रदर्शन, हमने विधायक माननीय चीमा जी जो सो रहे हैं हमने उन्हें जगाने का काम कह रहे हैं, क्योंकि एक हमने हस्ताक्षर प्रोग्राम भी हमने चलाया कि जो दो फ्लाईओवर हमारे काशीपुर में बनने, 19 साल की उनकी एक पहली उपलब्धि थी, वो भी 2.5 साल से बंद है। हमने घर घर दुकान दुकान जाके एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिससे हमारे चीमा जी को अपनी उन्हें नींद से जागने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा फ्लाईओवर जो कि अब तक बन जाना चाहिए था, 2.5 साल से पूर्ण रूप से बंद है, जिससे जनता, आम व्यापारी और पूरी महिला वर्ग, पूरे रिक्शा वाले, ठेले वाले, सब मजदूर दूर से बहुत बड़े परेशान हैं और शहर के अंदर जाम की स्थिति बेहतरशा बढ़ गई है। उन्हें अभी तक, जबकि उनके घर के सामने की सड़कें भी गड्ढी पड़ी हैं, उन्हें यही नहीं लगता है कि यह बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। उन्होंने पिछली बार धरना प्रदर्शन कांग्रेस ने दिया था तो उन्होंने 1 साल का टाइम मांगा था, लेकिन आज 2.5 साल हो चुके हैं। वो आज हमने विधायक जी को नींद से जगाने का, हम इस धरने के माध्यम से उन्हें नींद से जगाने का प्रयास कर रहे हैं और एक हस्ताक्षर अभियान चला के हम जनता को भी जागृत करने का काम कर रहे हैं। कि जो तीन साल पहले घोषणा करी थी विधायक जी ने कि दोनों फ्लाईओवर का कार्य मैं अति शीघ्र 1 साल के अंतर्गत शुरू करवा के पूरा कराऊंगा, वो 2.5 साल हो चुके। 2.5 साल में आज तक एक फ्लाईओवर आपके सामने जिसकी गति कछुए की चाल से चल रही है, कभी पत्थर लग जाता है, कभी मिट्टी पड़ जाती है, 6 महीने बंद हो जाता है। और दूसरा फ्लाईओवर जो स्टेडियम के सामने का है रामनगर रोड पर, वो आप लोग देख रहे होंगे कि 2.5 साल से केवल उसके खंभे खड़े हुए हैं, जिससे काशीपुर की जनता में त्राही त्राही मची हुई है। पूरा काशीपुर 2 भागों में विभाजित हो चुका है। जो लोग पुराने शहर में रहते हैं वो आवासिका साइड में नहीं जा सकते, रामनगर रोड पर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, बच्चे परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, काशीपुर की जनता बुरी तरीके से बेचैन और त्राही त्राही मची हुई है। इसी के विरोध में हम ये समझते हैं कि 19 साल में पहला विकास कार्य करने की कोशिश करी गई थी विधायक जी द्वारा, जो पहला विकास कार्य भी पिछले 2.5 साल से अधूरा पड़ा है और केवल आने वाले चुनाव की प्रतीक्षा कर रहा है कि जब ये चुनाव आएंगे मैं गति दूंगा और लोगों के सामने 20 साल में कराया गया एक विकास कार्य जो करा रहे हैं उसके द्वारा मैं फिर से वोट कैश करने की कोशिश करूंगा। इस बात का हम पूरा पूरा कांग्रेस पार्टी और काशीपुर के, आप देखेंगे कि जो लोग पार्टी में भी नहीं है लेकिन काशीपुर के लोग हैं, आज वो लोग यहाँ उपस्थित हैं। अभी तक 2500 लोगों ने आकर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी नहीं अपितु काशीपुर की जनता, जागरूक जनता भी इस मुहिम में शामिल है और विरोध दर्ज कराती है कि विधायक जी इस विकास कार्यों को गति दे, काशीपुर जो विनाश की दशा में पहुंच गया है उसे विकासशील शहरों की श्रेणी में लेकर आए।